नमस्कार जय जोहार क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सी और सी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस एप टू तो बी द बेस्ट लर्न फ्रॉम द बेस्ट खत्म हो गया एट नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका दोस्त आपका होस्ट आपका ट्विटर दीपक आपका इस प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं चलिए एक अच्छी खबर है कि हॉस्टल वार्डन और अन्य जो भी एग्ज़ाम है उनके एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गए ठीक है तो जितना भी समय बचा है अब ये मान लो कि जोर शोर से तैयारी करने का समय यही है ठीक है जोर शोर से तैयारी समय करने का समय यही है कोई कितना भी पढ़ा क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो बातें अब ख़त्म हो गई ये जो समय है आज से आपके एग्जाम तक का जो समय है इस पर जिसने भी जान लगाए लगा दिया वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पाएगा जरूर ठीक है हम शुरू से पढ़ते आ रहे पढ़ते आ रहे हैं और जब फाइनल सबमिशन देना है और हम डाउन हो जाएंगे तो हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो एक चीज याद रखो जो हो गया वो हो गया अभी हॉस्टल वार्डन के लिए अभी भी समय है अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लो जो पढ़े हो और अपनी तैयारी को अच्छे से संपूर्ण कर लो तो अभी भी बहुत कुछ हो सकता है ठीक है फाइनल मैच देखे थे ना टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का ठीक मैच लास्ट तक गया लास्ट में आपके सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ा और मैच पलटा क्यों क्योंकि जो लास्ट तक लड़ेगा ना दोस्त वो जीतेगा जरूर अगर यही मैच ठीक है जो लेफ्ट हैंड बेस्टमैन है उसका मैं नाम भूल रहा हूं उन्होंने जब किसको अक्षर पटेल को छक्का मारा मैच पूरी तरह पलट गया और उस समय इंडिया मैच छोड़ देती तो क्या जीतती क्या नहीं जीतती तो इसका मतलब यही है जो आखिरी तक हारेगा जो आखिरी तक लड़ेगा वो जरूर जीतेगा वो हारेगा नहीं तो यही वो आखिरी की लड़ाई है इसी लड़ाई पे लोहा अब गर्म हो गया अब मार दो हथौड़ा ठीक है यही वो आखिरी लड़ाई है जो अब आपको लड़ना है ठीक है पढ़िए और भरपूर रिवाइज करिए निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और इस आखिरी समय में मेहनत करने वाले तो बहुत है कोशिश करने वाले भी बहुत है लेकिन अपने आप को संयमित रखने वाले बहुत कम मिलेंगे कि जो अपने आप को विचलित ना होने दे आपको जितनी परेशानी आनी है वो अभी चाहेगी जब एग्जाम रहेगा जब एग्जाम नहीं रहेगा ना कोई परेशानी नहीं आएगी ठीक है पर्सनल फैमिली जितनी भी परेशानी आनी है चाहे वो पर्सनल हो या फैमिली संबंधित हो वो अभी आएगी ठीक है और इसी समय आपको क्या करना है अपने आप को संयमित रखना है क्योंकि याद रखना यह मैराथन रेस है है ना बयालीस दशमलव पांच किलोमीटर दौड़ना है तो आप लोग ये मान लो चालीस किलोमीटर दौड़ चुके हो यही ढाई किलोमीटर बचा हुआ यही ढाई किलोमीटर अब एकदम संयम से और एकदम मेहनत से दौड़ना है ठीक है बिल्कुल कंटिन्यूटी रखिए अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होने देना है ठीक है बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है अफवाहों से दूर रखना है ठीक है और अपनी पढ़ाई करनी है एक वर्ड होता है क्या कथरी ओढ़ के घी खाना है ना तो अब वही वही समय आ गया है कि आप कथरी ओढ़ के पढ़ाई करो दिन दुनिया से बेखबर ठीक है तो एक शुभकामना के साथ उज्जवल भविष्य की शुभकामना के साथ मैं यही मानूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और सफल होंगे और ऐसे ही योगेंद साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ बने रहेंगे दोस्तों हमारी पॉलिटी की, की सीरीज चल रही थी जो अब अपने संपूर्णता की ओर है।, है कुछ तैतीस या चौतीस लेक्चर है।, है, ये ये है भाई ठीक है तो अब उसमें संपूर्णता आ रही है हम संविधान के बाद संविधान के भाग बीस तक पहुंच गए हैं आज अपने को पढ़ना है संविधान का भाग बीस क्या संविधान संशोधन मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अगर पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आना एक लाख परसेंट श्योर है ठीक है एक लाख परसेंट श्योर है चाहे किसी भी रूप में आए तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपका संविधान संशोधन देखिए दोस्तों कोई भी चीज परमानेंट नहीं है ना उसमें परिवर्तन होना निश्चित है और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है है ना वो तो अमिताभ अमिताभ बच्चन मोहब्बत पिक्चर में बोल दिया था आई डोंट लाइक चेंजेस लेकिन वो भी चेंज हुआ ना लास्ट में ठीक है तो भैया बिना परिवर्तन के इस संसार में कुछ भी नहीं है हर चीज परिवर्तनशील है आप आपका उम्र आपका शरीर आपके रिश्ते आपकी सोच आपकी जुबान हर चीज परिवर्तनशील है ठीक है तो जो बदलता है वही आगे बढ़ता है ठीक है ना अगर आप समय के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप परिवर्तन कर रहे हैं बदल रहे हैं तो भाई जब संविधान बना तो उस समय जो चीजें प्रासंगिक थी उस समय जो चीजें सही थी कोई जरूरी है क्या वो आज भी सही रहे या उस समय जिन चीजों की आवश्यकता हमारे संविधान में नहीं थी उनकी आवश्यकता आज भी ना हो ये जरूरी है क्या नहीं भाई जब हर चीज बदल रहा है तो हमारी आदतें हमारी जरूरतें भी बदलेगी उसके अनुसार हमारा संविधान भी बदलेगा तो संविधान को जिस रूप में बनाया गया था समय के साथ उसमें क्या करते गए उसमें परिवर्तन करते गए संविधान को जिस रूप में बनाया गया था समय के साथ उसमें परिवर्तन करते गए ठीक है और यह परिवर्तन किसके द्वारा हुआ है यह परिवर्तन होता है संविधान संशोधन के द्वारा यह परिवर्तन किसके द्वारा होता है संविधान संशोधन के द्वारा पर परिवर्तन के नाम पर इतना भी परिवर्तन मत कर दो कि संविधान पूरी तरह दूषित हो जाए यह भी नहीं होगा है ना परिवर्तन परिवर्तन बोल के ठीक है आप कुछ भी कर दोगे ये तो गलत है तो संविधान दूषित ना हो संविधान दूषित ना हो जरूरत से ज्यादा परिवर्तन ना हो इसका भी ध्यान रखा गया है तो इसके लिए पूरा एक भाग बनाया गया है भाग क्या संविधान संशोधन कौन से भाग में है भाग बीस कौन से भाग में भाग बीस ठीक है कौन से भाग में भाग बीस ठीक है डबल एक्स भाग बीस अनुच्छेद क्या है जी संविधान संशोधन का थ्री सिक्सटी एट और कौन से देश से लिया गया है इसको बताइए संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है यह भी पूछा जाता है बताइए कौन से देश से दक्षिण क्या दक्षिण साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका से ली गई है है ना दक्षिण अफ्रीका से ली गई है क्या संविधान संशोधन की प्रक्रिया ठीक है हमारे संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसको कहां से लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से आपको पता है हमारा संविधान बहुत से देशों के संविधान से मिलकर बना हुआ है तो भैया अनुच्छेद 368 में अनुच्छेद 368 में बताया गया है कि संविधान में संशोधन कैसे होगा और ये कौन से भाग में है भाग बीस में है कौन से भाग में है भाग बीस में है चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं मैं ठीक है ना थ्री सिक्सटी एट संशोधन किसका संशोधन संविधान संशोधन तीन टाइप से होता है पहला है साधारण बहुमत साधारण बहुमत दूसरा होता है विशेष बहुमत तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक आधे से अधिक राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के विधान मंडल विधान मंडल की स्वीकृति है ना स्वीकृति ठीक है आधे से अधिक राज्यों के विधान मंडल की स्वीकृति पहला संविधान संशोधन होता है साधारण बहुमत से दूसरा संविधान संशोधन होता है विशेष बहुमत से तीसरा संविधान संशोधन होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की भी क्या होनी चाहिए स्वीकृति होनी चाहिए देखिए हमारे संविधान की एक विशेषता है कठोरता और लचीलेपन का विशेष समन्वय ठीक है कठोर और लचीलेपन का विशेष समन्वय है ना फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों है हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है यह इसीलिए बोला गया है कि संविधान के कुछ भागों में संशोधन करना एकदम बच्चों का खेल है एकदम बच्चों का खेल है लेकिन संविधान के कुछ भागों में संशोधन करना बहुत मुश्किल है तो एक तरफ कठोर है और एक तरफ क्या है एक तरफ कठोर है और एक तरफ क्या है लचीला है ठीक है यह हो गया तो लचीला किसमें है साधारण बहुमत में एकदम आसानी से संशोधन हो जाएगा कठोर में है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति में ठीक है तो इस प्रकार से हमारे संविधान में संशोधन आसानी से भी होता है और बहुत कठिन भी है तो कठोरता और लचीलापन का विशेष समन्वय है एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों अगर पूछेगा अनुच्छेद 360 के थ्री सिक्सटी 360 के अनुसार अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में कितने टाइप का संशोधन होता है तो अनुच्छेद 368 के अंदर ये दो ही आएंगे विशेष बहुमत प्लस विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति क्वेश्चन पूछा भी गया क्योंकि साधारण बहुमत से संशोधन को साधारण बहुमत से संशोधन को अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं लिया जाता है साधारण बहुमत से किया गया संशोधन को अनुच्छेद तीन के अंतर्गत नहीं लिया जाता है अनुच्छेद तीन के अंतर्गत केवल दो टाइप के संशोधन मान्य है विशेष बहुमत प्लस विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति ठीक है यहां तक हो गया चलिए अब यह बहुमत बहुमत है कैसे होता है बहुमत यह भी देख लेते हैं पहला होता है साधारण बहुमत इसमें क्या होता है देख लेते हैं साधारण बहुमत साधारण बहुमत में क्या होता है ठीक है साधारण बहुमत नाम सही है है ना साधारण बहुमत सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वालों का बहुमत साधारण बहुमत कुछ नहीं करना इसमें सदन में जितने लोग बैठे हैं उनका बहुमत मिल गया तो काम हो गया साधारण बहुमत ठीक है सदन में मान लो सौ लोग बैठे हैं है ना साधारण बहुमत से संशोधन करना है साधारण बहुमत से संशोधन करना है तो सदन में मान लो सौ लोग बैठे हैं और सौ में से सौ लोग वोट दे सकते हैं सदन में कुछ लोग ऐसे भी बैठे रहते हैं जो वोट नहीं देते दे सकते जैसे भारत का अटोर्नी जनरल वो सदन में बैठ जरूर सकता लेकिन वोट नहीं दे सकता तो इसीलिए बोलते हैं सदन में उपस्थित और मतदान जो मतदान दे सकता है उसी का बहुमत मान लो सौ लोग बैठे हैं सौ में से ऐसे हैं जो लोग कितने लोग सौ में से नब्बे लोग ऐसे हैं जो सदन के सदस्य और वोटिंग कर सकते हैं टोटल सौ लोग बैठे हैं सौ में से नब्बे लोग ऐसे हैं जो वोटिंग कर सकते हैं है ना तो अगर इनमें से छियालीस लोग नब्बे का आधा कितना होता है पैतालीस पैतालीस से एक ज्यादा छियालीस लोग किसी विषय में बदलाव करना चाहे जो साधारण बहुमत से हो सकता है किसी विषय में बदलाव करना चाहे जो साधारण बहुमत से हो सकता है तो वो बदलाव हो जाएगा है ना इसी को बोल रहे हैं सदन में उपस्थित उपस्थित कितने सौ लोग एवं मतदान करने वाले मतदान करने वाले कितने नब्बे लोग है ना का बहुमत है ना तो जो आदमी सदन में उपस्थित और वोट दे सकता है उसका बहुमत तो सदन में उपस्थित और वोट देने वाले कितने हैं नब्बे लोग नब्बे लोग का बहुमत कितना होगा छियालीस क्योंकि नब्बे का आधा होता है पैतालीस पैतालीस से एक ज्यादा छियालीस अगर छियालीस लोग किसी चीज को बदलना चाहें तो बदल सकते हैं कुल मिला के आप लोग जाते हो है ना आप लोग दस दोस्तों और दस दोस्त बोलते हो कि मूवी देखनी है है ना तो मूवी कौन सी देखनी है भाई ठीक है मूवी देखनी है पुष्पा देखनी है कि कंटारा देखनी है तो दस में से दस में से छह लोग बोलते हैं कि कंटारा देखनी नहीं है क्योंकि उसमें कहानी अच्छी है कंटारा देखनी है तो पूरा दस के दस अब कहा जाएंगे कंटारा देखने जाएंगे क्यों क्योंकि बहुमत क्या बोल रहा है कंटारा बोल रहा है मतलब जो लोग वहां बैठे हैं उनका बहुमत मिल गया तो वो काम हो जाएगा उसको बोलते हैं साधारण बहुमत नॉर्मल सी बात है जितने लोग बैठे हैं उसका जो बहुमत हो ज्यादा लोग जो बोलेंगे वही काम होगा तो ये हो गया आपका साधारण बहुमत ये तो नॉर्मल चीज है साधारण बहुमत अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता 368 के अंतर्गत दो आते हैं ठीक है दूसरा है आपका विशेष बहुमत क्या है जी विशेष बहुमत स्पीड बढ़ाते थोड़ा विशेष बहुमत विशेष बहुमत में क्या होता है पता है ये बहुत जबरदस्त चीज है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत एवं उपस्थित जो वहां बैठे हैं उपस्थित एवं मतदान करने वाले वही जो वोट डाल सकते हैं करने वाले का दो तिहाई बहुमत ठीक है अब यहां बोल रहा है कि भैया ये विशेष बहुमत है मतलब इसमें स्पेशल इस मेजोरिटी है सबसे पहले तो सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तो होना ही चाहिए उसके बाद उपस्थित और मतदान करने वालों का भी दो तिहाई बहुमत होना चाहिए ठीक है और दोनों में जो ज्यादा हो ठीक है यह मैं अपने तरफ से बोल रहा हूं दोनों में जो ज्यादा हो ठीक है अब देखिए इसको हम समझते हैं है ना मान लो मान लो सदन की कुल सदस्य संख्या है 120 सदन की कुल सदस्य संख्या है 120 है ना और उस दिन उस दिन आपके कितने लोग बैठे हैं 90 लोग नहीं सदन की कुल सदस्य संख्या है 120 ठीक है और उपस्थित और मतदान करने वाले कितने लोग बैठे हैं उपस्थित और मतदान करने वाले मान लो इसमें कितना ले ताकि अच्छा से आ जाए चलिए इसको एक बार और देखते हैं सदन की कुल सदस्य संख्या है मान लो डेढ़ सौ सदन की कुल सदस्य संख्या मान लो डेढ़ सौ और उस दीन, उस दीन सदन में बैठे कितने लोग हैं जो उपस्थित और मतदान कर सकते हैं एक सौ बीस कुल सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या है डेढ़ सौ डेढ़ सौ लोग हैं सदन में सदन यहाँ लोकसभा या राज्यसभा सदन मतलब लोकसभा या राज्यसभा उसकी कुल सदस्य संख्या है डेढ़ सौ अब डेढ़ सौ में उपस्थित और मतदान करने वाले कितने लोग हैं एक सौ बीस अब एक सौ बीस का दो तिहाई बहुमत निकालिए ठीक है तीन चौक बारह चालीस है ना चार दूनी आठ अस्सी ठीक है अब अस्सी अस्सी आया ठीक है अब देखिए अस्सी को सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत हुआ अस्सी में डेढ़ सौ का आधा कितना होगा जी पचहत्तर पचहत्तर से ज्यादा है अस्सी तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत तो हो ही गया और दो तिहाई बहुमत भी मिल गया अस्सी तब ये क्या होगा ये पास होगा ठीक है तब ये पास होगा क्योंकि ये जो अस्सी है ये जो अस्सी है ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है पहला तो सदन की कुल सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या था डेढ़ सौ डेढ़ सौ का आधा कितना होता है पचहत्तर पचहत्तर से ज्यादा है मतलब सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत हो गया हो गया अस्सी आ रहा है मतलब ज्यादा है ऊपर से उपस्थित और मतदान करने वाले जो 120 लोग है उसका भी दो तिहाई बहुमत मिल गया 80 तो हां तो अब क्या होगा ये पास हो जाएगा ठीक है ये पास हो जाएगा समझ में आया होगा आपको एक बार और बता देता हूं ठीक है सदन की कुल सदस्य संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या ठीक डेढ़ सौ उस दिन सदन में कितने जरूरी नहीं है कि हर दिन सब लोग आ जाए कुल सदस्य संख्या उपस्थित कितने लोग हैं उपस्थित एक सौ बीस अब एक सौ बीस लोग वोट डालेंगे क्या करेंगे एक सौ बीस लोग वोट डालेंगे है ना तो एक सौ बीस का कितना बहुमत आना चाहिए दो तिहाई बहुमत तो चार तिया तीन चौक बारह ये हो गया चालीस चार दुनी आठ ये हो गया अस्सी अब इसका बहुमत कितना होगा जी इसका बहुमत होगा छिहत्तर इसका बहुमत कितना होगा आधे से एक अधिक कितना होगा छिहत्तर ये संख्या छिहत्तर से अधिक है हां ये वाला बहुमत पार हो गया ऊपर से दो तिहाई बहुमत अस्सी है ये भी पार हो गया तो ये पास हो जाएगा है ना अब अब मान लो सदन की कुल सदस्य संख्या है डेढ़ सौ ठीक है सदस्य की सदन की कुल सदस्य संख्या है डेढ़ सौ है ना अब डेढ़ सौ में कितने लोग केवल पचहत्तर लोग सदन में आज बैठे हैं कितने लोग बैठे हैं पचहत्तर लोग कुल सदस्य संख्या कितनी है डेढ़ सौ उपस्थित कितने हैं मतदान करने वाले पचहत्तर आज ज्यादा लोग आए नहीं अब इसका दो तिहाई बहुमत निकालो तो दो तिहाई बहुमत कितना होगा तीन एकम तीन तीन दूनी छे है ना एक इधर आया तीन पंचे पंद्रह ठीक है तीन पंचे पंद्रह है ना ये हो गया पच्चीस बार में जाएगा पच्चीस बार में ही तो जाएगा जी तीन एक कम तीन तीन दुनी छह बचा एक ये हो गया पंद्रह तीन पंचे पंद्रह पच्चीस पच्चीस दुनी पचास ठीक है अब संख्या आया दो बटे तीन बहुमत तो ये हो गया पचास ये पचास डेढ़ सौ के बहुमत से ज्यादा है क्या डेढ़ सौ का बहुमत तो छिहत्तर है और यहां कितने लोग है केवल पचास लोग है तो ये पास नहीं होगा दोनों बहुमत होना चाहिए आधे से अधिक भी होना चाहिए और दो तिहाई बहुमत भी होना चाहिए तो कुल मिला यह जो दो तिहाई है ना यह इसके आधे से अधिक आना चाहिए यहां दो तिहाई पचास आया जबकि आधे से अधिक छिहत्तर है तो ये पास नहीं होगा इसको बोलते हैं विशेष बहुमत विशेष बहुमत तो से बहुत सी चीजें बदली जाती है ठीक है जो चीजें ज्यादा इफेक्टिव नहीं है वो साधारण बहुमत से बदली जाती है जो चीजें मीडियम इफेक्टिव है वो विशेष बहुमत से बदली जाती है और जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति तो तीसरा क्या है जी तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल बोल रहे हैं ना विधान मंडल आधे से अधिक राज्यों के विधान मंडल विधान विधान विधानमंडल की स्वीकृति ठीक है स्वीकृति ठीक है चलिए विधानमंडल की स्वीकृति तो विशेष बहुमत दो तिहाई वाला ये समझ लिए आप लोग पिछले जो स्लाइड था उसमें विशेष बहुमत अपन समझ लिए अब विशेष बहुमत के बाद उसको पास करने के लिए क्या चाहिए आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल जो विधानसभा है ना उनकी स्वीकृति चाहिए मतलब विशेष बहुमत लोकसभा राज्यसभा में तो पास हो जाएगा उसके बाद वो जाएगा सभी राज्यों में और सभी राज्य सरकार में से आधी राज्य सरकार पूरे भारत के सभी राज्य सरकार में से आधी से अधिक राज्य सरकार क्या करे उसको स्वीकृति दे तब क्या होगा वो चीज बदलेगी है ना तब क्या होगा वो चीज बदलेगी तो देखिए साधारण बहुमत में क्या है जितने लोग बैठे उतने लोग बदल लो विशेष बहुमत में कुल सदस्य संख्या का भी बहुमत हो और क्या दो तिहाई भी बहुमत हो और तीसरा क्या है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति इसमें क्या होगा कि भैया दो तिहाई वाला बहुमत तो चाहिए ही चाहिए इसमें एक और क्लॉज जुड़ गया कि आधे से अधिक राज्यों के जो विधान मंडल है उन लोग भी क्या करे इस बात को स्वीकृति दे कि हा बदल जाओ है ना या बदल दो तो भैया ऐसे बदलता है संविधान तो यहां दोस्तों जो विधानमंडल है विधानमंडल अपने यहां कौन से बहुमत से पास करेगा साधारण बहुमत से विधानमंडल अपने यहां कौन से बहुमत से पास करेगा साधारण बहुमत से ठीक है दो तिहाई बहुमत से पास करके कौन भेजेगा लोकसभा राज्यसभा बेचेगा भेजेगा कहा राज्यों में और राज्यों कैसे कैसे बहुमत से पास करेंगे साधारण बहुमत से वहां विशेष बहुमत नहीं है तो पास ही नहीं हो पाएगा है ना तो राज्य कैसे बहुमत से पास करेंगे साधारण बहुमत से पास करेंगे ठीक है हमारे यहां संविधान संशोधन की एकमात्र शक्ति किसके पास है दोस्तों केवल संसद के पास है मतलब लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास है राज्यों की विधानसभा के पास संविधान संशोधन की शक्ति नहीं है ठीक है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडल की स्वीकृति तो विशेष बहुमत में कौन पास करके भेजेगा संसद और जो राज्यों का विधान मंडल है वो कौन से बहुमत से उसको पास करेगा साधारण तब वो जाके बदलाव होगा ठीक है तो चलिए अब चलते अपन अपने, अपने क्वेश्चन की ओर है ना पूरा इंट्रोडक्शन इसका हो गया अब फटाफट देखते हैं पहला क्वेश्चन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है ठीक है ये देखिए ये बात सही बोल रहा है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है पर वो संशोधन किसी भी मूल ढांचे को नष्ट करने वाला नहीं होना चाहिए तो आप लोग घबराना मत ये मत सोचना कि भैया मूल ढांचे को नहीं नष्ट करना है इसका मतलब संशोधन नहीं कर सकती संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है बस मूल ढांचे को नहीं टूटना चाहिए मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती नया मौलिक अधिकार जोड़ देगी है ना बस कोई ऐसा मौलिक अधिकार कम मत कर दे जिससे संविधान का क्या है मूल ढांचा कम हो हाँ दूसरा देखते हैं संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है बिल्कुल है संसद में क्या आते हैं लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंतर्गत क्या आते हैं लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति तो भैया लोकसभा को आप लोग चुने हो राज्यसभा को आप जो विधायक चुने हो उन लोग चुन के भेजते हैं राष्ट्रपति को भी आप जो विधायक और सांसद चुने हो उन लोग चुन के भेजते हैं तो कुल मिला वो जनता द्वारा चुना गया है हाँ तो दोनों सही है ठीक है और इसीलिए संसद के पास संविधान संशोधन करने की शक्ति है ठीक है तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ठीक है ए और बी आर दोनों सही है ए आर की सही व्याख्या है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न विधेयक में से किसी एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है कौन सा विधेयक है ना वित्त विधेयक देखिए साधारण विधेयक साधारण विधेयक तो नहीं है क्योंकि क्या बोल रहा है विशेष बहुमत से विशेष बहुमत बोल दिया तो साधारण विधेयक आएगा ही नहीं साधारण विधेयक क्या होता है जितने लोग बैठे हैं उतने लोग पास कर दो कोई दो तिहाई तीन तिहाई चार तिहाई नहीं धन वीधेयक, धन विधेयक विधेयक आपको मैं पढ़ा दिया हूं धन विधेयक में किसके पास शक्ति ज्यादा है लोकसभा के पास लोकसभा धन विधेयक को पास करके भेजेगा और राज्यसभा उसको सिर्फ चौदह दिन तक रोकेगी चौदह दिन तक अगर कुछ नहीं की तो लोकसभा खुद मान लेगा कि क्या है भाई हम धन विधेयक पास कर लिए वित्त विधेयक वित्त विधेयक में दोनों बराबर हैं कौन कौन लोकसभा और राज्यसभा तीसरा क्या है संविधान संशोधन विधेयक विशेष बहुमत संविधान संशोधन विधेयक का विशेष बहुमत विशेष बहुमत से क्या होता है संविधान संशोधन होता है और संविधान संशोधन में विशेष बहुमत से दोनों सदनों में अलग अलग पास होना चाहिए एक चीज याद रखिएगा कोई भी संविधान संशोधन विधेयक है ना कोई भी संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में दो तिहाई बहुमत से अलग पास होगा राज्यसभा में दो तिहाई बहुमत से अलग पास होगा ठीक है उसके पास अगर वो विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है तो राज्यों के पास जाएगा राज्यों की विधानसभा उसको साधारण बहुमत से पास करेगी अगर आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा साधारण बहुमत से पास कर दी तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा संशोधन हो जाएगा मान लो कोई विधेयक है जो लोकसभा में दो तिहाई बहुमत से पास हुआ संविधान संशोधन विधेयक है राज्यसभा में है दो तिहाई बहुमत से पास हुआ और केवल विशेष बहुमत से संशोधन होना है तो फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा और वो हो जाएगा धन विधेयक एकदम दिमाग में ना पंच कर लो पंच मतलब ठोक लो ठीक है धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं होती क्यों क्योंकि धन विधेयक में संयुक्त बैठक की जरूरत ही नहीं है अगर राज्यसभा धन विधेयक को पास नहीं करेगी तो लोकसभा चौदह दिन बाद उसको पास मान लेगी ठीक है तो धन विधेयक की जरूरत है ही नहीं संविधान संशोधन में ए, संयुक्त बैठक में धन विधेयक की जरूरत है नहीं संविधान संशोधन विधेयक में इसीलिए संयुक्त बैठक नहीं करते समझिएगा संविधान संशोधन विधेयक में क्यों संयुक्त बैठक नहीं करते मान लो लोकसभा संविधान संशोधन विधेयक करना चाहती है और राज्यसभा संविधान संशोधन विधेयक नहीं करना चाहती अब इसमें संयुक्त तो बैठक करा दिए तो संयुक्त तो बैठक की अध्यक्षता कौन करता है लोकसभा अध्यक्ष ठीक है पहला बात दूसरा लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है 545, राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है 245, ठीक है लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है 545, राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है 245 ठीक है राज्यसभा से ठीक डबल है लोकसभा तो भैया वोटिंग में कौन जीतेगा लोकसभा और संविधान संशोधन विधेयक बदल बिगड़ जाएगा क्यों क्योंकि वही चीज हो रही है जो लोकसभा चाह रही है राज्यसभा जो चाह रही है वो चीजें हो ही नहीं रही हैं राज्यसभा जो चाह रही है वो चीजें हो ही नहीं रही है क्योंकि ठीक डबल संख्या किसकी है लोकसभा की तो लोकसभा ही जीतेगा ना इसीलिए संविधान संशोधन विधेयक नहीं रखते दो मैटर पर संविधान संशोधन विधेयक नहीं होता धन विधेयक और सभी दो मैटर पे संयुक्त तो बैठक नहीं होता धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक दो मैटर पर कभी भी संयुक्त तो बैठक नहीं होगा धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक तो यहां पूछ रहे है निम्न विधेयकों में से किसी एक का भारतीय संसद के दोनों सदन में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है किसका संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद थ्री है ना और साधारण विधेयक अनुच्छेद थ्री के अंतर्गत नहीं आता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन का प्रावधान किया गया है है ना साउथ अफ्रीका से लिया गया अनुच्छेद 368 ठीक है संविधान संशोधन की पहल की की जा सकती है है ना केवल लोकसभा में केवल राज्यसभा में केवल विधानसभा में नहीं विधानसभा तो कभी संविधान संशोधन विधेयक कर ही नहीं सकती केवल लोकसभा भी नहीं केवल राज्यसभा भी नहीं याद रखिएगा संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है लोकसभा में भी राज्यसभा में भी तो संसद के किसी एक सदन में ऑप्शन डी ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की पुष्टि आवश्यक है बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों यहां कौन सा बहुमत चाहिए यहां चाहिए विशेष बहुमत और प्लस आधे से अधिक राज्य वाला आधे से अधिक राज्य के विधानमंडल का बहुमत विशेष बहुमत को संसद दो तिहाई बहुमत से पास करेगा आधे से अधिक राज्य साधारण बहुमत से पास करेंगे तभी वो क्या होगा तभी वो बदलेगा तो कौन कौन सी चीजें हैं जो विशेष बहुमत से बदलती है ठीक है चलिए देखते हैं इसको चलिए पहला है संविधान के संघीय प्रावधान यह कैसे बदलेगा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार यह भी कैसे बदलेगा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का और खुद संविधान संशोधन की प्रक्रिया अगर अनुच्छेद थ्री को भी बदलना है उसमें कुछ चेंज करना है तो वो भी कैसे बदलेगा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की क्या होगा अनुमति इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन एक दो तीन देखिए आप यहां आप सुन लीजिए है ना मैं बता रहा हूं कौन कौन सी चीजें कौन कौन सी चीजें विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति से होगा जैसे क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति को जो वोट डालते हैं ना राष्ट्रपति को कौन कौन सी चीजें विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति से बदलेगा ठीक है जैसे अनुच्छेद चौवन अनुच्छेद चौवन ठीक है शॉर्ट में बता दे रहा हूं है ना लिखते जाए लिख लीजिएगा अनुच्छेद चौवन राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल ठीक है मंडल मतलब राष्ट्रपति को कौन कौन वोट डालते हैं ना वो अनुच्छेद पचपन है ना राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति रीति मतलब जिस जिस नियम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है ठीक है किस नियम से होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली निर्वाचन मंडल में कौन होते हैं संसद के चुने हुए सदस्य राज्य विधानमंडलों के चुने हुए सदस्य है ना और दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य निर्वाचन की रीति क्या है जी निर्वाचन की रीति है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है ना तीसरा क्या है संघ की कार्यपालिका शक्ति का, का विस्तार है ना संघ की शक्ति का विस्तार शक्ति का विस्तार इसमें यह बोल रहा है केंद्र सरकार का जो पावर है ना अगर उसको बढ़ाना है तो भैया उसमें कौन सा संशोधन लगेगा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य का संशोधन ठीक है उसके बाद राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य की कार्यपालिका ठीक है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का, का विस्तार अगर राज्यों को और पावरफुल बनाना है तो भी उसमें विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति है ना संघ का संघ राज्य क्षेत्र मतलब आपका किसका जी राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश है ना केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में है ना शक्ति का केंद्र शासित प्रदेश संघराज्य क्षेत्र इसमें अगर कुछ शासित प्रदेश ठीक है इसमें कुछ बदलना है तो उसके बाद संघ की न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय का कुछ बदलना है तो न्यायपालिका संघ की न्यायपालिका केंद्र सरकार की न्यायपालिका इसमें कुछ बदलना है तो ठीक है उसके बाद संघ राज्य के विधायी संबंध संघ राज्य के विधायी संबंध मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कानूनी संबंध विधायी संबंध ठीक है उसके बाद क्या है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व है ना राज्यसभा में अगर राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है तो राज्यसभा लोकसभा में संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यों का प्रतिनिधित्व यह भी विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति है ना उसके बाद सातवीं अनुसूची है ना शक्तियों का बंटवारा सातवीं अनुसूची सातवीं अनुसूची शक्तियों का बंटवारा उसके बाद स्वयं अनुच्छेद थ्री सिक्सटी एट अगर इन चीजों में आपको बदलाव करना है इन चीजों में आपको बदलाव करना है तो क्या करना पड़ेगा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति आपको लेनी पड़ेगी ठीक है दोस्तों तो इसमें आपको मैं बता देता हूं केंद्र का पावर राज्य का पावर राष्ट्रपति का चुनाव और राष्ट्रपति के चुनाव का नियम दो चीजें ऐसी आ गई राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और उसके चुनाव का नियम एक हो गया केंद्र का पावर राज्य का पावर संघ राज्य क्षेत्र का पावर दो हो गया तीसरा खुद अनुच्छेद थ्री सिक्सटी एट तीन हो गया चौथा अगर संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व तो बढ़ाना है लोकसभा सीट बढ़ानी है राज्यसभा सीट बढ़ानी है तब संसद में अगर राज्यों का प्रतिनिधित्व तो बढ़ाना है तब ठीक है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का पावर बढ़ाना है संघ की न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट का पावर बढ़ाना है तब है ना और उसके बाद केंद्र और राज्य के संबंध में कोई बदलाव करना है तब ठीक है तो ये क्या होगा ये किस बहुमत से होगा होगा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य की अनुमति एकदम शॉर्ट में खुद अनुच्छेद थ्री सिक्सटी एट में बदलाव करना है तब दूसरा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व तो बढ़ाना है तब तीसरा केंद्र का पावर बढ़ाना है राज्य का पावर बढ़ाना है केंद्र शासित प्रदेश के पावर की बात हो तब चौथा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कौन वोट डालेगा तब निर्वाचन की रीति किस रीति से चुनाव होगा तब ठीक है और केंद्र राज्य संबंध अगर इसमें बदलाव करना है तो विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति आवश्यक है ठीक है उसके बाद एक और देख लेते हैं विशेष बहुमत से क्या बदलता है दो तिहाई बहुमत से क्या बदलता है विशेष बहुमत से क्या बदलेगा है ना पहला क्या है मूल अधिकार में संशोधन मूल अधिकार ये अधिकतर पूछता है मूल अधिकार में संशोधन दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में तो संशोधन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निर्देशक तत्व में संशोधन करना पड़ेगा तब ये दोनों चीज मेन है जो विशेष बहुमत से बदली जाएगी उसके बाद जो बचा वो सब किसमें बदलता है साधारण बहुमत में ठीक है चलिए काफी लंबा डिस्कशन हो गया वापस आ जाते हैं संविधान के संघी प्रावधान मतलब केंद्र का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार अभी पढ़े और संविधान संशोधन प्रक्रिया इन तीनों में क्या है विशेष प्लस आधे से अधिक राज्यों का संशोधन है ना और नए राज्यों का निर्माण अथवा नए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन ये कैसे होता है ये होता है साधारण बहुमत से ये याद रखिएगा ये बहुत पूछता है नए राज्यों का निर्माण और उसके सीमाओं में परिवर्तन कौन से बहुमत से होता है साधारण बहुमत से इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए चलिए फटाफट -फड़ बढ़ते आगे है ना निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन प्राप्त है देखिए बहुत बढ़िया राष्ट्रपति का निर्वाचन ठीक है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व तो ठीक है सातवीं अनुसूची ठीक है किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति ये होता है साधारण बहुमत से देखिए दोस्तों एज अ तीस क्वेश्चन गिर रहे हैं है ना अभी बताया मैं राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति केंद्र का पावर राज्य का पावर और केंद्र शासित प्रदेश का पावर सातवीं अनुसूची शक्तियों का बंटवारा है ना उसके बाद संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और उसके बाद क्या है स्वयं अनुच्छेद 368 और केंद्र और राज्य विधायी संबंध ये बदलेंगे विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की समर्थन में तो इसका भी ऑप्शन होगा ऑप्शन एक दो तीन जो चौथा है किसी राज्य का विधान परिषद की समाप्ति ये भी किससे होता है जी साधारण बहुमत से है ना किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन और समाप्ति का अंतिम अधिकार अंतिम अधिकार है संसद के पास और संसद कैसे पास करता है साधारण बहुमत से नए राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन कैसे होता है साधारण बहुमत से यह सब होता है विशेष बहुमत से ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन होगा एक दो तीन ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई इसको एक बार समझ लिए ना संविधान में ग्रीप आ जाएगा आपके है ना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक को पुनः स्थापित द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघी परिक्षेत्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना चाहिए कौन सा सही है बताइए दोस्तों ठीक है बताइए <laughs> चलिए पहला तो गलत हो गया मैं वैसे ही बता दिया क्योंकि आपको पता है संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है और संविधान संशोधन विधेयक में कोई भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है संविधान संशोधन तीन टाइप से होता है साधारण बहुमत विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति पर अनुच्छेद 368 में केवल दो बहुमत है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति वाला है ना तो इसमें बोल रहा है संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में नहीं भैया संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा राज्यसभा कहीं भी लाया जा सकता है तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया गलत यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघी चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना आवश्यक है सभी राज्य अभी तक पढ़े हैं क्या नहीं क्या पढ़े हैं मेरे दोस्तों आधे से अधिक राज्य ठीक है यहां ये बात सही बोल रहा है अगर संविधान के ढांचे या उसके चरित्र में ही परिवर्तन करना है है ना केंद्र की शक्ति बढ़ानी राज्य की शक्ति बढ़ानी जो भी तो जो समर्थन है वो आधे से अधिक राज्यों का होना चाहिए ना कि सभी राज्यों का ऐसे में तो मान लो अगर एक राज्य में भी विपक्ष की सरकार है और वो समर्थन नहीं दी तो संविधान संशोधन हो ही नहीं पाएगा क्यों क्योंकि सभी राज्य बोल देगा पर ऐसा नहीं है आधे से अधिक राज्य बोला है तो दूसरा भी गलत हो जाएगा तो क्या होगा ऑप्शन डी ना तो एक और ना दो उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया है तो अस्वीकार मतलब वहां पे वो प्रस्ताव पारित ही नहीं हो पाया खत्म हो गया तो क्या करेंगे बताइए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं बताइए ठीक है आपको पता है संविधान संशोधन विधेयक मामले में लोकसभा और राज्यसभा दोनों बराबर की पावरफुल है अगर लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा गया और राज्यसभा उसको बर्खास्त कर दी उसको क्या कर दी फेल कर दी तो वो संविधान संशोधन विधेयक वहीं समाप्त हो जाएगा विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा उसके बाद कुछ भी नहीं होगा क्यों अगर ऐसा नहीं किया ना तो लोकसभा क्या बन जाएगी तानासा बन जाएगी क्योंकि लोकसभा के पास पावर ज्यादा है भाई ठीक है लोकसभा तानासा बन जाएगी है ना? इसीलिए अगर कोई भी एक सदन कोई भी एक सदन संविधान संशोधन विधेयक को नकारता है तो वो तुरंत खत्म हो जाता है अब अगले बार संशोधन करने के लिए वापस नया विधेयक बनाना पड़ेगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं ठीक चलिए ये हो गया इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों बताइए क्या होगा विधेयक समाप्त हो जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक में दोनों के पास बराबर बराबर शक्ति है संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित निम्नाकित कथनों पर विचार करिए कर लेंगे भाई चलिए क्या विचार करना है देखते हैं अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की दो विधियों का उल्लेख है आ गया क्वेश्चन एकदम सही संविधान संशोधन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है बिल्कुल गलत संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच क्या संयुक्त तो बैठक बिल्कुल नहीं की जा सकती राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता बिल्कुल सही ठीक है अब देखिए दोस्तों इस पे क्या बोल रहा है है ना सबसे पहले संविधान संशोधन की दो विधियां अभी तक मैं आपको बताता है, आ रहा हूं हल्ला कर रहा हूं कि अनुच्छेद 368 के अनुसार केवल दो विधियों का उल्लेख है क्या विशेष बहुमत प्लस विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति साधारण बहुमत को थ्री के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता अभी अभी बताया कि संविधान संशोधन लोकसभा राज्यसभा कहीं भी लाया जा सकता है आपको पता है संविधान संशोधन विधेयक में कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होगी है ना हाँ, संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है ठीक है दोस्तों तो उसको राष्ट्रपति साइन करने से मना नहीं कर सकता तो क्या सही है केवल एक और चार क्या सही है केवल एक और चार ऑप्शन बी चलिए बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छा जा रहा है ठीक है कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपको यह सेशन कैसा लग रहा है समझ आ रहा है नहीं आ रहा है क्या सुधार किया जा सकता है होप सो कि आपको यह सब चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही है और जो आपके एग्जाम में लाभदायक भी होगी ठीक है भारतीय संविधान में नवी अनुसूची कब जोड़ी गई नवी अनुसूची क्या है जी नवी अनुसूची है ना बताइए भूमि सुधार अधिनियम ठीक है उसके बाद कुछ अ, कुछ अधिनियमों का युक्ति युक्तकरण जिनको संसद में चुनौती नहीं दी जा सकती नवी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा हम लोग क्या जोड़े हैं उन्नीस में नवी अनुसूची है ना नवी अनुसूची कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है दोस्तों बताइए <coughs> <coughs> अनुसूची ये पूछा जाता है पहला संविधान संशोधन उन्नीस द्वारा जोड़ी गई है ठीक चलिए देखते हैं संपत्ति के मौलिक अधिकार को जो आता है वहां से चालू करते हैं संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाना ठीक है कौन सा संविधान संशोधन बयालीसवा संविधान संशोधन ठीक है उसके बाद उद्देशिका में पंत निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना बताइए रुक जाओ देख लेते हैं इसको सॉरी हाँ थोड़ा सा गलत हो गया था <coughs> मेरे को यह पता है हाँ ये देख रहे थे अपने को यह पता है मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई 61 संविधान संशोधन कौन सा सिक्सटी वन संविधान संशोधन यहां आ जाएगा सी कौन सा संविधान संशोधन सिक्सटी वन संविधान संशोधन वन संविधान संशोधन यहां आ जाएगा सी उसके बाद उद्देशिका में पंत निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया बयालीसवां संविधान संशोधन ठीक है संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया गया चवालीसवां संविधान संशोधन ठीक है न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति अड़तीसवां संविधान संशोधन ठीक है ये बताया गया है कौन से संविधान संशोधन में क्या क्या किया गया है तो दोस्तों आप लोगों को पता है आप लोगों को पता है ठीक है क्या कि कौन कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ है तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सी देख लेते हैं सी पहले का तीसरा तीसरे का ये ठीक है बी का चार है ना बी का चार ठीक है सी का एक सी का एक ठीक है डी का दो डी का दो ठीक है है ना? ये तीनों तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब हटाया गया संपत्ति के मौलिक अधिकार को आपका हटाया गया है चौवालीसवा संविधान संशोधन उन्नीस में है ना उसके बाद आपका वोट देने की आयु अठारह वर्ष कब की गई इकसठवा संविधान संशोधन ठीक है और उद्देशिका में हाँ ना उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना में समाजवादी पंत निरपेक्ष और अखंडता शब्द तो कब जोड़ा गया बयालीसवां संविधान संशोधन न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति ये कब आई अड़तीसवां संविधान संशोधन ठीक है चलिए देखते हैं आगे बोर्ड हैंग हो गया है दो मिनट इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं ठीक है ये भी सुबह से चलते चलते थक जाता है क्या करें ठीक है दोस्तों अभी समय आ गया है जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं जितने भी फॉर्म भरे थे सबके एग्जाम होना चालू हो जाएंगे तो आप अफवाहों से दूर रहें और अपनी तैयारी को संपूर्णता दें ठीक है क्योंकि जैसे ही आप लक्ष्य की तरफ पहुंचोगे वैसे ही आपको डिस्टर्बिंग फैक्टर बहुत ज्यादा मिलने लगेंगे है ना मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एकदम खुल के तो नहीं बोल सकता आप समझते हो बिल्कुल अगर आपको अपनी लाइफ अच्छी बनानी है तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में डिफरेंस रखना पड़ेगा अभी आपकी नौकरी नहीं लगी है तो भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ है पढ़ाई करना दोस्तों तो बिल्कुल पढ़ाई करिए अधिक से अधिक समय निकालिए याद रखिए ठीक है ना सबसे ज्यादा जरूरी है अभी रिविजन है ना गलतियां नहीं होनी चाहिए ठीक है और उसके लिए आप हमारे वीडियो देख सकते हैं रिवाइज करने के लिए फास्ट फॉरवर्ड में लगा के देखिए क्विक रिवीजन के फॉर्मेट में ये पूरी सीरीज है है ठीक जो आपको पढ़ने में सहायता करेगी कमेंट करके बताइएगा कि यह सीरीज आपको कैसी लग रही है आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो रही है या नहीं ताकि हम इसमें कुछ भी सुधार कर सके चलिए कौन से क्वेश्चन तक पहुंच गए थे आई थिंक सो नौ क्वेश्चन तक पहुंच गए थे नौ भी हो गया था दस भी हो गया था ग्यारह भी हो गया था चलिए अब देखते हैं निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है ले बाबा इंदिरा गांधी के शासन काल में बयालीसवा संविधान संशोधन उन्नीस क्यों लघु कहा जाता है उन्नीस छिहत्तर क्यों लघु कहा जाता है बयालीसवा संविधान संशोधन को इंदिरा गांधी के शासन काल में बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में इतने सारे बदलाव किए ना कि एक नया संविधान ही बन गया हर चीज बदल दिए जो चीज दिख रही वो बदल दो इतने संविधान किए इतने संशोधन किए कि एक अलग से संविधान बन गया ऐसा माना जाता था एक नया नया फॉर्मेट ही आ गया संविधान का इसीलिए उसको क्या कहा जाता है लघु संविधान संशोधन फिर 1978 में जब सरकार बदली तो जो जो बदली हुई चीजें थी ना उसको वापस पहले जैसा किया गया आपके लोकसभा की कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था छह साल कर दिया गया था उसको वापस पांच साल किया ठीक है तो बहुत से व्यापक बदलाव हुए बयालीसवें संविधान संशोधन में इसीलिए उसको क्या बोलते हैं लघु संविधान ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है मौलिक कर्तव्य कौन सा संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया दोस्तों बताइए कौन सा संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया बयालीसवा संविधान संशोधन में बोला ना क्या है बयालीसवा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य क्या अनुच्छेद क किस समिति की अनुशंसा स्वर्ण सी समिति कौन सी स्वर्ण सी समिति की अनुशंसा पर प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य दस जोड़े गए थे अभी कितने हैं ग्यारह वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है ग्यारह मौलिक कर्तव्य है ठीक है बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है अनुच्छेद इंक्यावन का जोड़ा गया है भाग चार का जोड़ा गया है ठीक है किसके स्वर्ण सी समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत 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 इंपॉर्टेंट ठीक है ठीक आपका निन्यानवे संविधान संशोधन हुआ था निन्यानवे नंबर का है ना इसमें क्या कहा गया था जजों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया था क्या किया था जजों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में कोई आदमी जज कैसे नियुक्त होगा उसके संबंध में प्रावधान किया गया था तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कॉलेजियम सिस्टम है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश रहते हैं उन लोग क्या करते हैं सुप्रीम कोर्ट में कौन आदमी जज बन के आएगा इसके लिए चुनाव करते हैं ठीक है चुनाव भी उसी का किया जाता है जो एलिजिबल है तो नियुक्ति के लिए वो एक संस्था है जिसको बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम है ना उसमें सुप्रीम कोर्ट के, के लोग रहते हैं तो ये कॉलेजियम सिस्टम को बंद करके सरकार ने जजों की नियुक्ति के लिए क्या बनाया था न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने की बात की गई जिसमें सरकार के मंत्री मंत्री को भी या सरकार के आदमी को रखने की बात कही गई है ना सरकार के मंत्री को या सरकार के आदमी को रखने की बात कही गई तो सुप्रीम कोर्ट सीधा बोल दिया भैया सरकार जजों की नियुक्ति नहीं करेगी क्योंकि न्याय व्यवस्था को राजनीति से दूर रखना है अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण दोनों अलग है भैया दोनों को मिलाओ मत और मान लो अगर नेता लोग जज की नियुक्ति करने लगे तो फिर तो हो गया काम है ना आप समझ सकते हो अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप समझ सकते हो तो जज की नियुक्ति जो जज लोग जिस फॉर्मेट में करते आ रहे हैं वही से होगा और इस संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया नल कर दिया नील कर दिया खत्म कर दिया क्यों क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है मैं बताया था दोस्तों आपको क्या जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनरीक्षण अगर संसद कोई कानून बनाती है और वो कानून संविधान के अनुसार नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर देगी जुडिशियल रिव्यू है ना न्यायिक पुनरीक्षण अमेरिका से लिया गया बहुत पावरफुल चीज है अगर मान लो आज आपको आपके मौलिक अधिकार को छीनने के लिए सरकार कानून बनाती है और सुप्रीम कोर्ट इस कानून को देखती कि यह संविधान के अनुसार नहीं है ये मौलिक ढांचे को तोड़ रहा है कानून को सीधा जीरो कर देगी कोई कानून नहीं है बोल देगी इसी को बोलते हैं क्या जुडिसियल रिव्यू तो जुडिशियल रिव्यू के द्वारा निन्यानवे संविधान संशोधन को रद्द कर दिए जीरो नहीं भैया तुम जजों की नियुक्ति नहीं करोगे हम बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बैठा है चार और जज हैं ठीक है राष्ट्रपति है तो तुम नहीं करोगे नेता लोग नहीं करेंगे ठीक है तो ये हो गया इसका ऑप्शन सी ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल दल बदल विरोधी कानून किसमें लाया गया था जी दल बदल बताइए है ना बावनवा संविधान संशोधन उन्नीस सौ पचासी बावनवा संविधान संशोधन उन्नीस दल बदल विरोधी कानून है ना कौन सी अनुसूची अनुसूची दस ठीक है दल बदल विरोधी कानून बावनवा संविधान संशोधन ठीक है क्या दसवीं अनुसूची जोड़ा गया जिसमें दल बदल विरोधी कानून पहले क्या होता था कोई आदमी दूसरी पार्टी से चुनाव जीत के गया और वहां सदस्य बनने के बाद सदन का सदस्य बनने के बाद पैसा लेकर दूसरी पार्टी में चल जाता था और उसके साथ सरकार बना लेता था तो यह क्या है यह धोखा है भाई मैंने फलाना पार्टी को क्या दिया है वोट दिया है और सोच रहा हूं कि वो फलाना पार्टी क्या करेगी सरकार बनाएगी अब फलाना पार्टी का विधायक जाके ढेकाना पार्टी के साथ मिल गया तो भाई मैं जिसको सरकार बनाना चाह रहा था वो बनी क्या नहीं मेरे साथ धोखा हुआ ना इसीलिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया कब उन्नीस सौ पचासी बावनवा संविधान संशोधन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई दसवीं अनुसूची जोड़ी गई कौन सी अनुसूची दसवीं अनुसूची ठीक है दल बदल अब अगर आप दल बदल करें ना दूसरे दल में गए जिस बैनर से जिस झंडे से चुनाव जीते हो उसको छोड़कर दूसरे में गए जाओगे ना तुम्हारा सदस्यता ही रद्द ना तुम विधायक हो ना तुम सांसद हो अब जाओ क्या करोगे ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक मतदान आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है आपको पता है मेरे दोस्तों इकसठवा संविधान संशोधन कितना 89 मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई ठीक है चलिए आगे देखते हैं निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र माना गया है ना आपको बता दू 69 संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर बनाया गया है ना 69 संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा 69 संविधान संशोधन उन्नीस द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया इसे संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और उसके प्रति मंत्रिपरिषद बनाया गया है ना? मतलब दिल्ली में आपका विधानसभा 69 नाइन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से बना है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है ठीक है कौन से में उन्नीस सन में यह पूछा जाता है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी नेशनल कैपिटल रीजन या एनसीआर जो बोलते हैं ना वो कैसे बनाया गया वो 69 संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया छियासी संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ कब से लागू हुआ जी 2002 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम ठीक है कौन सा अधिनियम शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन ठीक है छियासी संविधान संशोधन ठीक सॉरी इसमें हां ये छियासीवे संविधान संशोधन 2002 द्वारा क्या जोड़ा गया अनुच्छेद इक्कीस का है ना और शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ना यहां शिक्षा मौलिक अधिकार में शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन आर कब से लागू हुआ है एक अप्रैल 2000 से एक अप्रैल 2000 से लागू हुआ है ठीक है इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी देखो क्वेश्चन में मैं खुद घूम गया छियासीवे संविधान संशोधन दो दो द्वारा मौलिक अधिकार में अनुच्छेद इक्कीस का जोड़ा गया क्या जोड़ा गया अनुच्छेद इक्कीस का जिसमें छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया ना इस अधिनियम को अनुमति दी गई उसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह शिक्षा का मौलिक अधिकार है और यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम बोल रहा है तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है ठीक है किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया कौन सा संविधान संशोधन अभी बताया छियासीवा संविधान संशोधन 2002 द्वारा क्या छह से चौदह वर्षों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान किया गया कि केंद्र और किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा और विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा है ना तो कौन सा संविधान संशोधन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी ठीक है 91 संविधान संशोधन 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पहले क्या होता था जिस पार्टी की सरकार होती थी ना वो अपने बहुत से आदमियों को क्या बना देता था मंत्री बना देता था तो भैया तो 91 संविधान संशोधन ठीक है 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब से 2007 से ये 2005 नाइन्टी वन संविधान संशोधन ठीक है 2003 लिखा हुआ इसमें 91 वन संविधान संशोधन के द्वारा यह कहा गया कि अब मंत्री परिषद का आकार लोकसभा की सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और राज्य सभा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा है ना तो भैया आप हमारी लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है जी पांच अभी हो गई वो पांच सौ तिरालीस उसके पंद्रह प्रतिशत से अधिक लोग बहत्तर तिहत्तर से अधिक अधिक लोग मंत्री नहीं बन सकते आप उतने को ही बना सकते हो क्यों क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या का पंद्रह प्रतिशत से अधिक लोग मंत्री नहीं बनेंगे और राज्यों में विधानसभा की सदस्य संख्या का पंद्रह प्रतिशत से अधिक लोग मंत्री नहीं बनेंगे पर राज्यों में किसी भी दशा में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को मिलाकर संख्या बारह से कम नहीं होगी अब गोवा में गोवा की विधानसभा में 40 सीट है कितनी सीट है 40 अब 40 का 15% कितना होता है जी 40 का 10% 4 और 5% 2 6 छह लोगों को मंत्री बना के क्या करोगे कौन काम करेगा फिर तो वो आदमी नहीं है तो वहां मिनिमम कितने लोग रहेंगे 12 ठीक है लेकिन अब यूपी में 401 402 विधानसभा सीट है वहां अगर 15% बोला जाए तो कितना हो गया चार सौ का दस प्रतिशत चालीस मंत्री बन सकते हैं उससे ज्यादा नहीं है ना तो मिनिमम बारह लोग और अधिकतम पंद्रह प्रतिशत लोग ही मंत्री बन सकते हैं किसके विधानसभा और लोकसभा की सदस्य संख्या का कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया ये बदलाव इंक्यानवे संविधान संशोधन द्वारा ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एवं सर्विस टैक्स जीएसटी जीएसटी संविधान संशोधन एक सौ एक एक सौ एक संविधान संशोधन किससे संबंधित है जीएसटी से एक सौ एक संविधान संशोधन जीएसटी से है ना सौवा संविधान संशोधन बांग्लादेश के साथ भूमि अदला बदली है ना बांग्लादेश के साथ भूमि की अदला बदली किए हैं सीमा को अदला बदली किए हैं है ना सौवा संविधान संशोधन एक सौ एक संविधान संशोधन क्या है जीएसटी है ठीक है और जीएसटी कब से लागू हुआ है? एक जुलाई 2017 से ठीक चलिए अगला देख लेते हैं निम्नांकित में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया किस वाद में संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया ठीक है यह किया गया था गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य में यह बोला कि संविधान के सभी भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया यह सीधा बोल दिया गोलकनाथ बना पंजाब राज्य में भैया मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते काम खत्म आप संपत्ति के मौलिक अधिकार को नहीं हटा सकते ऐसा बोल दिए थे फिर चौबीसवें संविधान संशोधन में इसको बदला गया तो अगर पूछेगा कि पहली बार संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया गया कौन से में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य उन्नीस में ठीक है केशवानंद बनाम भारतीय केरल राज ये क्या है ये है आपका आ, बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचा मिनरवा मिल बनाम मौलिक अधिकार को किसमें डाल दिया गया मूल ढांचे में ठीक है चलिए ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे ठीक है होप सो आपको आज की क्लास पूरी समझ में आई होगी हमने काफी डीप स्टडी की है दोस्तों यहां पे संविधान संशोधन से संबंधित अभी भी मैं बता दूं आपको कि अनुच्छेद 360 के अनुसार 368 के अनुसार केवल दो संशोधन है विशेष बहुमत प्लस विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति साधारण बहुमत को 368 में नहीं गिना जाता ठीक है तो होप सो आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं ये क्लास कैसी लगी ये भी आप बता सकते हैं जय हिंद जय जै भारत जय छत्तीसगढ़ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी